हम बनाने जा रहे हैं बरास के फूलों का शरबत। और इसी के साथ बना रहे हैं बरास के फूलों की चटनी और बनाएंगे हम बरास के फूल की कैंडी। मैं अरुणा गुप्ता अरुणा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बरास के फूलों का शरबत, चटनी और कैंडी बनाना। बरास का फूल जितना देखने में सुंदर होता है उतने ही ज्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये जो हिल स्टेशन पे होते हैं तो हिमाचल में ये कई जगहों पे बहुत ज्यादा खिले होते हैं। फरवरी मार्च जो महीना होता है वो तो बरास के फूलों से पहाड़ों में खिला खिला हुआ होता है। अब हम बरास के फूल की जो है एक एक कली ऐसे निकाल लेंगे और इसके जो बीच में कलियां होती हैं इनको हम निकाल देंगे। ये जो व्हाइट पोर्शन होता है इसे थ्रेड्स वाला इसको निकाल देंगे, इसको निखाते और इसको हम साफ कर लेंगे, फिर इसको हम पानी में धोएंगे। तो इसी तरह से हम सारे फूलों की जो है व्हाइट थ्रेड्स जो है अलग कर देंगे और रेड पोर्शन जो है इसका हम अलग अलग कर लेंगे। हमारे जो ये लाल फूल हैं ये तकरीबन हमारे वेट वाइज जो होंगे 400 ग्राम के करीब होंगे। ये 40 से 50 फूल होंगे और ये जो हैं देखने में ज़्यादा लगते हैं पर वेट इनका ज़्यादा नहीं होता है। अब इनको हम अच्छी तरह से धो लेंगे, 3-4 बार हमने इसको इनको धोना है। अब इनको खुले पानी में धोंगे, रगड़ेंगे नहीं इनको, हम इनको खुले पानी में डाल देंगे ताकि जो इनके ऊपर जैसे मिट्टी वगैरह होती है, धूल होती है, वो सारी जो है अच्छी तरह से धुल जाए। एक बार हम पूरा कंटेनर भर के धो लेंगे इसको, फिर उसके बाद वो सारा पानी निकाल देंगे, फिर दोबारा से इनको हम धो लेंगे। हमने फूल जो है अच्छी तरह से धो लिए हुए हैं, ये बिल्कुल साफ कर दिए हुए हैं। अब इसको हम पकाएंगे। इसमें मैं एक गिलास पानी का डालूंगी क्योंकि हमारे फूलों से भी जो है पानी निकलेगा, तो हम एक गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि हमारा फूल जो है बिल्कुल गल ना जाए। देखिए फूलों का कितना अच्छा रंग निकलता जा रहा है और ये पकना भी स्टार्ट हो गया है। देखो छोटा साइज भी छोटा होता जा रहा है। ब्रास के फूल जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होती है वो ब्रास का जूस पिए तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे पेट में जलन होती है, हाथों पैरों में जलन होती है, उनको भी ब्रास के फूल ज़रूर खाने चाहिए। ये जो हमारे शुगर लेवल, बीपी लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। HB जिनका कम होता है उनको भी ये ज़रूर लेना चाहिए, उससे हमारा जो है HB बढ़ जाता है। मुँह में छाले हो तो इसका जो है हमारे को कैंडी जो हम बनाएंगे उससे एक कैंडी अगर मुंह में डाल दें तो उससे जो है उनके मुंह के छाले भी ख़त्म हो जाते हैं अगर उसको चूसते रहें तो। देखिए ब्रास के फूल हमारी हेल्थ के लिए भी कितने अच्छे हैं और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। देखिए हमारे फूल जो है बिल्कुल नरम हो चुके हैं और ये गाढ़े भी हो गए हैं बिल्कुल। इसको हम छाननी से पूरा निकाल देंगे। देखिए कितने करब रह गए, कितने भर के हमारे फूल थे, इसका हम पूरा जो रस है वो निकाल देंगे, दबा दबा के पूरा निकाल देंगे। इसका कलर कितना सुंदर आया हुआ है। ये नेचुरल चीज़ें होती है, ये एक तो हेल्दी भी होती है और ये कलरफुल भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है, बस फूलों का ये कलर आ गया हुआ है। इसको हम हाथों से जो है पूरा निचोड़ लेंगे, इसका पूरा जो रस है वो निकाल देंगे, हम दबा दबा के निकाल देंगे पूरा। हमारे जो ये एक्सट्रैक्ट निकला है इसको हम एक बार मिक्सी में और चला लेंगे और फिर दोबारा छान के जो है हम इसका पानी निकाल देंगे। अभी मिक्सी में हमने इसका पेस्ट और बना लिया हुआ, इसको दोबारा हम छान लेंगे। इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, इसको हम पूरा पानी जो है इसमें से निकाल देंगे। हमारा पूरा एक्सट्रैक्ट जो है निकल चुका है। जो हमारा ये वाला एक्सट्रैक्ट होता है इसकी हम या तो चटनी भी बना सकते हैं और इसमें चाहे तो हम गुड़ डालकर जो है इसको सुखाकर जो है छोटी छोटी बड़ियां बना के उसको भी हम यूज में ला सकते हैं। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ब्रास का फूल जो है बड़ी मेहनत से मिलता है।
अभी हमारा पानी निकल गया है पूरा, अब इसको हम चाशनी में डाल देंगे। जैसे हमारे 300 ग्राम के करीब फूल हैं, तो हम जो 150 ग्राम तक चीनी डालेंगे और उसकी हम चाशनी मिला देंगे। इसमें मैं एक गिलास पानी डाल दूंगी और इसकी हम एक तार तक जो है चाशनी बना लेंगे इसकी। इसमें थोड़ी कम ज़्यादा चीनी हो जाए तो उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर बाद में हम जब शरबत बनता है तो उस टाइम भी हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, पर जो क्वांटिटी है वो हाफ रखनी चाहिए। जितने फूल होते हैं उससे हाफ हम चीनी लेंगे। देखिए हमारी चाशनी भी पकती जा रही है और थोड़ी गाढ़ी होती जा रही है, पर अभी ये बहुत पतली है तो अभी हम इसको और पका लेंगे। ब्रास का फूल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ये टिकता नहीं है, तभी इसको जो है हम चाशनी में पकाकर जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, वरना जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हम इसका शरबत जो है फिर जब दिल करे तो थोड़ा सा शरबत निकाला, उसमें हम अपने हिसाब से पानी ऐड करें और पी सकते हैं उसको। फिर चाशनी जो है हमारी एक तार की हो गई है, अब इसमें हम पूरा जो है पानी डाल देंगे। जो हमारा ब्रास का जो पूरा ये एक्सट्रैक्ट निकला है इसको हम डाल देंगे। अब इसको हम 3 से 4 मिनट जो है हाई फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि ये चीनी के साथ जो अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए 3-4 मिनट तक हमने पका लिया और हमारा जो है शरबत भी गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। देखिए हमारा शरबत जो है तैयार हो चुका है। इसमें हम हाफ जो है शरबत डाल लेंगे और हाफ जो है हम पानी डाल लेंगे। अगर आप कम चीनी लेना पसंद करते हो तो फिर ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे। देखिए इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसको जो हम किसी भी बॉटल में जो एयर टाइट बॉटल में डाल देंगे और फ्रिज में रख देंगे। इसको हम 1-2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हो तो फिर इसमें जो है हमारे को पकती बार जो है सोडियम बेंजोएट डालना पड़ता है 1 टीस्पून, पर हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम 1-2 साल के लिए इसको हम रख सकते हैं। फिर जब दिल किया थोड़ा सा स्क्वैश निकाला, पानी डाला और हमारा ब्रास के फूल का शरबत तैयार। हमारा ये एक्सट्रैक्ट निकला है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी हम जो है कैंडी बना देंगे, गुड़ वाली कैंडी बना देंगे इसके साथ। तो ये हम एक कढ़ाई में डाल देंगे, पूरा पल्प डाल देंगे। तो एक्सट्रैक्ट है ये 1 कटोरी के करीब है, तो इसमें हम 1/4 जो है गुड़ डाल देंगे, 1/4 कटोरी जो है गुड़ डाल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। हम साथ में डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा हींग, सूखा पुदीना डाल देंगे 1 टीस्पून के अराउंड, इसको मिक्स कर देंगे। पुदीने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा काला नमक, काला नमक हम 1/4 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको हम पकने देंगे जब तक ये पूरी गाढ़ी ना हो जाए और गुड़ भी हमारा मेल्ट होके जो है गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसको पकने देंगे। क्योंकि इसमें जो खट्टा टेस्ट होता है तब हमें गुड़ डालना पड़ता है। पूरी कैंडी ऐसी होती है जब हम सफ़र में जाएंगे कहीं पे जाएंगे तो मुंह में डाली हो तो हमारी तबीयत भी ख़राब नहीं होती है। जब तक हमारी कैंडी का मटेरियल बन के तैयार होता है तब तक जो हम अपनी ब्रास की चटनी बना लेते हैं। धनिया लेंगे, ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने 1 कटोरी ली हुई है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हो। कुछ पत्ते पुदीने की, पुदीना जो है मैंने सूखा लिया हुआ है, मेरे पास आज हरा पुदीना नहीं है तो मैंने सूखा पुदीना डाला हुआ है इसमें। अब डाल देंगे हम इसमें ब्रास, ब्रास जो मैंने काफ़ी सारा ले लिया क्योंकि इसमें खट्टा टेस्ट होता है और खट्टी खट्टी चटनी जो है अच्छी लगती है। इसको हम मीठी नहीं बनाएंगे, इसको हम बिल्कुल खट्टी चटनी बनाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्ची कटी हुई, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून जो है जीरा,
वन टीस्पून हम कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब डालेंगे हम इसमें काला नमक, इसमें वन टीस्पून जो है काला नमक डाल दूंगी, फिर हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम ज़्यादा होगा तो हम डाल देंगे। अब इसकी हम चटनी बना लेंगे। हमने चटनी पीस लिया, देखो चटनी हमारी बन गई है, कितना सुंदर कलर आया हुआ है। इसको हम एक बोल में निकाल देंगे। इसको आप बनाकर जो है फ्रिज में रख सकते हो और हफ्ता भर खा सकते हो आप। ये देखिए ब्रास की चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कैंडी का मटेरियल भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम ठंडा होने देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा जैसे छोटी छोटी कैंडी बना के जो है एक फॉइल पे डाल देंगे। आप चाहें तो एक प्लास्टिक के लिफाफे पे भी डाल सकते हो। इसको जो है 3-4 दिन जो है बहुत तेज धूप में रखना पड़ता है, फिर जब सूख जाती है तो हमारी अच्छी सी कैंडी बन जाती है। इसको हम थोड़ी सी हाथ में ले लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल देंगे, गोल गोल करके रख देंगे। इस तरह से हम पूरी बना देंगे और इसको धूप में रख देंगे। 3-4 दिन में जो है सूख के तैयार हो जाती है, पर तेज धूप होनी चाहिए इसके लिए, वरना इसको टाइम लग जाता है बनने में। देखिए कैंडी जो है कितनी अच्छी बन रही है। अगर आप इसमें चाहें तो गुड़ या चीनी जो है ज्यादा डाल सकते हो, अगर ज्यादा मीठी खाना पसंद करते हो, पर आजकल थोड़ा चीनी वगैरह से थोड़ा परहेज ही करते हैं सारे, तो मैंने कम ही रखी है इसमें। फिर भी बच्चे वगैरह अगर ज्यादा खाने चाहे तो आप गुड़ भी ज्यादा डाल सकते हो, चीनी भी ज्यादा डाल सकते हो। देखिए धूप में सूखते सूखते इसको 2 दिन हो गए, तो एक साइड से हमारी ये पूरी सूख चुकी है। अब इसको पलटा मार देंगे सारी बर्तनों को जो हमारी ये कैंडीज हैं, फिर इसके बाद इनको 1 दिन और सूखने देंगे, फिर हमारी कैंडी जो है पूरी 3 दिन में तैयार हो गई। देखिए एक साइड से रही है थोड़ी सी और ये अच्छी तरह से बन चुकी है, इसको 1 दिन और धूप लगा लेंगे। देखिए हमारी कैंडीज जो है 3 दिन के बाद अच्छी तरह से सूख गई हैं और बिल्कुल क्रिस्पी सी हो गई हैं ये। देखिए अब इनको हम शुगर कोट कर लेंगे। शुगर कोट करने के लिए मैंने एक कटोरी में 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है चीनी ले ली हुई है पीसी हुई। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, चुटकी भर सॉल्ट डालेंगे, इससे जो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप शुगर कोट करना चाहो तभी करें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे बच्चों को खिलाना हो तो शुगर कोट करने से बच्चे जरूर खा लेते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, सारों को मिला लेंगे हम। कैंडीज जो को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके जो है 5-6 महीने तक रख सकते हो, ये खराब नहीं होती हैं क्योंकि बिल्कुल सूखी हुई है, इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक रहती है। फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।